हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अफसा खान ने जुबिन शाह को वीडियो में क्या रिप्लाई दिया है और उसी के साथ ही शादाब खान के वकील ने क्या कहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मलबे सा गंदा सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, जिसके वजह से मैंने जुबिन से बहुत लड़ाई की। उसको मैंने बोला कि तुम ये सॉन्ग मत करो, पर उसने नहीं माना। उसने बोला मेरे करियर का पीक टाइम है, मुझे करियर बनाने। उसके बाद भी मैंने उसके साथ कुछ बोला नहीं। उसको मैंने दो बार उस टाइम पर घर से निकाला। आई एग्री, मैंने घर से निकाला, मैंने बहुत लड़ाई की क्योंकि वो गाना बहुत गंदा गाना था। वो आएगा तब आप खुद देखना। उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो गई। अगर जुबिन बोल रहे हैं ना कि वो बहुत बदतमीज है, बहुत बुरी है, तो वो बहुत गंदे गंदे गाने कर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मुझे गाने पे भी डिटेल ज़्यादा नहीं बोली, आप लोग खुद देखना। जैसलमेर जुबिन गया, जैसलमेर में वही लड़की जैसलमेर में साथ में थी। जुबिन एक लड़की, दो लड़कियों के साथ सबसे पहले रूम शेयर करके आया है, एक रूम में दो लड़कियों के साथ रहकर आया, जिसकी वजह से जुबिन को मैंने ब्लॉक किया था 3 दिन। और जुबिन इतना खुशी खुशी अपना शूट कर रहा था, रिपोज हर। जब मैं लॉयल था तब मैंने कुछ नहीं किया, अब तूने मुझे घर से निकाल लिया तो मैं लॉयल नहीं हूँ, ये कौन सा लॉजिक है मुझे बताओ। और दूसरों को पता है क्या बोल रहे हैं वो सबको, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सब लोग उसको समझा रहे कि तू गलत कर रहा है जुबिन, तो सबको बोल रहे हैं, मेरी फ्रेंड जू, वंदना, सना, हर इंसान को वो बोल रहे हैं कि उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं प्रेगनेंसी की वजह से। कोई इंसान को मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि इतना पता लगेगा उसका हस्बैंड सो रहा है दूसरी लड़की। और लोन का मैंने स्क्रीन शॉट भेजा उसको, ये लोन अमाउंट है और ये स्क्रीन शॉट है, रोज हर महीने उसको 5th को भरना है। तो उसने मुझे लंबे लंबे मैसेजेस भेजे। उसके बाद उसने बोला कि मुझे बच्चे से मिलना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मैं मिलने नहीं दूंगी, अल्लाह गवाह है मगरिब का टाइम, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसको बोला आई लेट यू नो आई एम बिजी। उसके 2 सेकंड बाद मैंने उसको लिखा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, 5:30 हीरानंदानी हॉस्पिटल, अगर तुमको आना है तो तुम तुम्हारे बच्चे से मिल लेना आकर। तो उसने मुझे बोला नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा, मुझे गेट पर लाकर दे देना बाद में बच्चे को, दिखा देना। तब मैंने उसको बोला मैं ला नहीं सकती हूँ, मेरे 45 डेज चल रहे हैं तो मैं बाहर नहीं निकाल सकती बच्चे को, मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तब उसके बाद उसने बोला कि नहीं मुझे, जब भी मुझे अकॉर्डिंगली कुछ बोल रहा था कि जब भी मुझे मिलना होगा तो अकॉर्डिंगली मैं बोल दूंगा, अकॉर्डिंगली मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ कर। फिर मैं इतनी हिम्मत है ना तो उसको बोला, कुरान पे हाथ रख के कसम खाए और बोले कि उसने कुछ भी नहीं किया है और जो वो इतना बोल रहे हैं ना वो सब सच बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं तो उसके आगे मैं भी सब वॉइस रिकॉर्ड सब चीज़ें मैं भेजती हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने मुँह से बोला है, बोलना अलग है, प्रूफ देना अलग है ना, तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे। रेप केस फाइल हुआ है शादाब खान के ऊपर, ठीक है। किसने फाइल किया है नाम नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोगों को पता ही है किसने फाइल किया, क्योंकि कानून के मुताबिक रेप विक्टिम का नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको पता है वो किसने फाइल किया। तो भैया बात यह है कि रिलेशनशिप में रहते हो, जब ब्रेकअप हो जाता है तो रेप केस फाइल कर देते हो। आजकल का इस तरीके से कानून का मिसयूज किया जा रहा है। मुझे, मेरे हाथ में अभी जस्ट FIR आया है, मैंने FIR रीड किया, कल रात को ही FIR हुआ है पुलिस स्टेशन में। शादाब को तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि रेप का मतलब ही नहीं पता है आजकल लोगों को, ना पुलिस वाले को समझता है रेप का मतलब। FIR तो कर दिए, अब FIR के आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, अभी झूठा FIR फाइल करने के लिए क्या होता है और क्या क्या एक्शन होते हैं, अब वो पता चलेगा। मेरे मांगे बिना पायल मंगवाई है मेरी, बेशक रिश्ता नहीं हुआ हमारा, सब तो उनमें एक है लुगाई है। तो शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं, अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में, गुस्सा नहीं आएगा क्या? बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।